नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी प्रासर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल पाठक की नजर से। तो आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। छपरा रविवार की शाम कोहरा बाजार पर दूसरे गांव से पहुंचे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जमकर की गई मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस दौरान 3 बाइक को क्षति पहुंची है। मारपीट की घटना से आक्रोशित कोहरा बाजार के व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और इस घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची दाऊदपुर थाना पुलिस को लोगों के आक्रोश व विरोध को देखकर लौटना पड़ा। बताया जाता है कि कोहरा हाई स्कूल पर मैच के दौरान पहले असामाजिक तत्वों ने विवाद कर दिया, किसी तरह मामले को सुलटा दिया गया। उसके बाद पुनः शाम को असामाजिक तत्व हथियार के साथ गोलबंद होकर पहुँचे और मारपीट की। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों व दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस की धूलमूल रवैये के कारण क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। शराब की खुलेआम बिक्री की जा रही है, जिसकी जानकारी होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। घटना को अंजाम देने वाले खुलेआम शराब बिक्री के धंधे करते हैं, विरोध करने पर किसी की धुलाई कर देते हैं। लोगों ने स्थानीय थाना पुलिस के खिलाफ SP और DIG से भी शिकायत की है। लोगों व दुकानदारों का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे अपनी दुकानें बंद रखेंगे। पुलिस प्रशासन को चेंज किया जाए और डीआईजी साहब आए, माने उच्च अधिकारी आए, शांति बहाल करें यहाँ। और कोई मांग है? और कुछ कहना नहीं है सर। बिहार के लोग ग्रस्त हैं, पूरे गांव आक्रोश में है। जब तक बड़े अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम लोग की दुकान नहीं खुलेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर अफ्ताब खान। थैंक यू। मांग है जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है उस पर पाबंदी लगाई जाए।
और जो दुकानदारों से रंगबाजी मांगी जा रही है उस पर जो जोर लगा करके उसको बंद किया जाए, और जो जिस जो आदमी जो गलती नहीं है उसको लोग गलत तरीके से मार रहे हैं, इस सब पर पाबंदी लगाई जाए, रंगदारी बंद किया जाए। कुहाड़ा बाजार, मेरे बच्चे से एक लड़का, मेरे गांव ही का लड़का है गोलू, वो थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी का है, दारू बेचता है, उसे झगड़ा हुआ तो वो क्या किया कि 10-20 आदमी को बुला लिया बाहर से, अब मेरे घर में हमला बोल दिया, बोला कि फिरौती का पैसा दो, 50,000 रुपया दो तो अब तुम्हारा दाम बक्सेंगे, नहीं तो तुमको मुंगा देंगे। घर में ढूंक गया, जब मेरे घर के सब बच्चा निकला तो सबको तलवार से, रड से, फिर गोली का ये किया। करने के बाद इसी तरह दो लड़का जख्मी हो गया, तीन चार आदमी हॉस्पिटल में है, अभी तीन आदमी है जिसको तलवार से रड से लगा है, पूरा फट गया है। हम लोग एकमा दिए थे, एकमा से फिर रेफर होकर छपरा गया है, देखिए वहाँ से क्या होता है। इस संदर्भ में अपने थाना प्रभारी को सूचना दी है? मेरे थाना प्रभारी बिका हुआ है, उन्हीं के संदर्भ में हर चीज होता है, वही सब करवाता है। क्षेत्र में तमाम लोग दारू बेचते हैं क्या? ना तमाम लोग नहीं सर, बात ऐसे कुछ लोग हैं, एकदम छोटा है, माने दो तीन लड़का ही है हर गांव में जो अपना मिशन चलाता है, लेकिन दो तीन लड़का ऐसा कर देता है कि पूरा माहौल बिगाड़ देता है, किसी को बाजार में मारना पीटना, माने सभी लोग जितने बाजार के लोग हैं सब ग्रसित हैं, इसीलिए अपने आप वो लोग बाजार बंद किए हैं, वो लोग बंद रखना चाहते हैं कि जब तक इसका बड़े अधिकारी जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक मेरे गांव की सब दुकानें बंद रहे। कौन सा बड़े पदाधिकारी? जिला चोरी हो रहा है, अभी तो बैंक वाला आया था बेचारा, वो बोला बड़ा बाबू को कि आप ही हैं, मेरा पैसा चोरी हुआ, हमको बोल रहे हैं सबूत दो, हमको अरेस्ट कर लिए हैं आप, हमको लेकर बंद कर दिए हैं आप, जो क्रिमिनल है उसको छोड़ देते हैं आप, यही सब बात है। सब कोई अपना अपना वहाँ बता रहा था, बड़े बाबू भाग गए यहाँ से, वो तो जान